होली में हर कोई एक दूसरे पर रंग डालने के लिए तैयार रहता है। खास तौर पर छोटे बच्चों के लिए रंग बिरंगी पिचकारियां अलग अलग डिजाइन में बाजारों में आई हुई है। रंग रंगीली पिचकारियां लेने बाजार में ग्राहक बड़ी संख्या में दिखाई दिए। होली एक ऐसा त्योहार है जिसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। होलिका दहन होने के बाद दूसरे दिन छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति भी अपने हाथों में पिचकारियां लेकर उसमें रंग का पानी भरकर एक दूसरे पर हंसी हंसी उड़ाते रहते हैं। इस वर्ष बड़े पैमाने पर दुकानदारों ने अलग अलग वैरायटी की पिचकारियां ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराई हैं। पिचकारी बाजार में ग्राहक अपने मनपसंद पिचकारी खरीद रहे हैं। जैसे कि हमने आपसे बात किया कि होली की जो पिचकारी अपने आप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग वैरायटी से और अलग अलग प्रांतों से आई हुई ये तमाम जो पिचकारी है, ये छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग हर किसी के लिए यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे जो ग्राहक है वो भी बड़े पैमाने पर यहाँ पे है, लोग खरीदने के लिए यहाँ पे आए हुए। आइए कुछ दुकानदार से हम बात करते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ ग्राहक उनसे बात करें। दीदी, ये बताइए कि आज क्या बच्चों के लिए क्या आपने उपहार लिए हो? अभी ले रहे हैं, लेने के लिए आए हुए हैं। अभी अभी पिचकारियाँ ले रहे हैं, यहाँ से होली आ रही है ना। अच्छा मार्केट है इस साल, अच्छा मार्केट है। महंगाई तो है और बढ़ भी रही है। अब उसके लिए सरकार ने सोचना चाहिए थोड़ा, आम ग्राहक किस तरह मतलब ये होने चाहिए करके। ये पिचकारियों से सजा ये जो दुकान है अपने आप में एक दुकानदार एक है। सर ये बताइए कि ये पिचकारी का क्या नाम है, कहाँ से? ये है चाइना का आइटम, लेकर के हम आते हैं। दिल्ली से भी आता है, बॉम्बे से भी आता है, कलकत्ता से भी आता है। लेकिन इस समय तो चाइना को मना कर दिया। वो इस समय मना किया है, लेकिन हमारी जबकि खरीदी है उस वक्त चाइना का माल आ रहा था। जब 80% ड्यूटी बढ़ी है चाइना के आइटम पे, उसके पहले की हमारी लगभग ये समझ लीजिए नवंबर में खरीदी है हमारी। है ये बताइए कि पिचकारी की क्या क्या वेरायटी तो कहाँ से आई हुई है? ये 10 रुपए से लेकर के आपकी जेब की ताकत के ऊपर, 10 रुपए से लेकर के आपकी जेब की ताकत के ऊपर में। क्योंकि आज का दौर ऐसा हो गया कि मोदी जी ने हर एक गरीब आदमी की, अमीर आदमी की, बड़े आदमी की, सबकी जेब की ताकत खत्म कर चुके हैं। आपका कारोबार कैसा है? कारोबार ठीक है। पिछले वर्ष की तुलना में क्या लग रहा है आपको? 50% पिचकारी को लेके लोगों में काफी उत्साह है और पूरा क्षेत्र जो है, ये मार्केट जो है पिचकारी से लेके सराबोर उठा है। हर किसी के चेहरे पे एक मुस्कान दिखाई देती है और ये मुस्कान जो होली के त्यौहार के ऊपर में अपने आप में एक है। और होली एक ऐसा त्यौहार है जो दिलों को जोड़ता है, क्योंकि होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरे, इन विजन नागपुर।